हमारी फिर से पार्टी हो रही है, तो ये पार्टी तुम किला ही तुम देर उठ जा करते थे, मतलब हमारी गांव की लड़कियां तो करती ही थी ऐसा। देखिए चप्पल हमारी भेड़ ने पहन रखी है। अपनी बातें कर रहे हैं जितने भी है और मैं ब्लॉग पागल है। तो रात के 2 बज गए और अब हो रही है हमारी पार्टी खत्म। जय माँ भगवती। दगड़ियों कैसे आप सभी लोग, आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे आज के नए व्लॉग में उत्तराखंड के पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9:30 बजे से और अभी मैं अपनी गाय भैंसों को लेके आई हूँ और गाय भैंसे मैंने ऊपर छोड़ दिया और आज मैंने फिर से कपड़े ला रखे। और लेकिन जहाँ पे मैंने कपड़े धो रहे थे आज वहाँ पे ताई जी पहले ही आ गई, तो इसलिए पहले ताई जी धोएगी कपड़े और उसके बाद मैं धोऊंगी। ताई जी के थोड़े बहुत ही कपड़े तो जल्दी धो के फिर चले जाएंगे ऊपर गाय भैंसों के साथ और फिर मैं धो लूंगी। और आने का तो सिट्टी की मम्मी भी आई थी, भाभी भी आई थी हमारे साथ, लेकिन वो नीचे ही धोने लगे, वो वहाँ धो रहे हैं नीचे कपड़े और मैं यहीं पे ऊपर। तो आज मतलब इतने सारे लोग आ गए कपड़े धोने के लिए और अच्छा सा पत्थर केवल एक ही है, बाकी और भी पत्थर हैं लेकिन उतने अच्छे नहीं। तो और पत्थर इसके जैसे नहीं है, ये पत्थर तो पहले से ही है और अभी तक भी है। तो इस पत्थर में कपड़े धोना सबसे अच्छा होता है, वो तो मैंने आप लोगों को वैसे भी बताया है। और अब कपड़े धोते हैं और ताई जी का वेट कर रही हूँ, ताई जी जब कपड़े धो देगी फिर उसके बाद मैं धोऊंगी। मैंने तो बहुत सारे कपड़े ला रखे आज नदी में धोने के लिए। तो अभी तो यहाँ पे ताई जी धो रही है कपड़े और ताई जी ने थोड़े बहुत ही कपड़े ला रखे और घर से भिगो के ला रखे, तो इसलिए उनके कपड़े जल्दी धुल जाएंगे। बॉडी किला है तुम मी से पहले तुम मी से बाद मान चो ना जन कमी तुमसे पहले ढूंढ चा कपड़ा तुम किला ही तुम देर उठ जा आराम से आठ जा तुम पहले मिल ढूंढ जा तब कपड़ा। तो ताई जी आज मेरे से पहले आ गई, ताई जी ने मेरा वाला पत्थर ले लिया। अब फटाफट दो तो सबको अच्छा लगता है ये वाला पत्थर, ताई जी को बोले ये पत्थर बहुत अच्छा लग रहा है। तो ताई जी ने तो कम ही कपड़े ला रखे और ताई जी की स्पीड बहुत तेज है ना बॉडी उम्मीद तब तो तुम छोड़ जाओ हम कपड़ा में आप ही धो तुम छोड़ जाओ मैं धोए लो तुम गोर देगा। दिन के 11 बज रहे हैं और 9:30 बजे से धो रही थी मैं कपड़े और 11 बजे धुल रहे मेरे कपड़े, तो 1.5 घंटा लग गया मुझे कपड़े धोने में क्योंकि आज कपड़े थोड़ा ज्यादा थे। तो इसलिए अब कपड़े धो के अब ऊपर चलती हूँ, वहाँ पे ताई जी लोग बैठे हैं, मतलब जितने भी हम गाय के साथ आते हैं उतने लोग बैठे हैं, तो अब उनके साथ चलते हैं। तो दादी अपने चप्पल को कितनी देर से ढूंढ रही है, तो दादी का चप्पल कहाँ है? दादी की चप्पल हमारी भेड़ ने पहन रखी है उसका गाय ले गप्पू। दादी वैसे पसंद आएगा तुम्हारा चप्पल ले ले कपड़े ले, ले वो देखो हमारी भेड़ ने पहन रखी है दादी की चप्पल। अरे वैसे तुम्हारा चप्पल पसंद है उबार दे मांगो मैम इन वाला गप्पू में आ चप्पल दे दे वैसे पसंद है तुम्हारा चप्पल उबी दादी तुम्हारा बड़े उन मारे अमिल का चप्पल। तो अभी बज रहे हैं रात के 8:30 और आज हमारी फिर से पार्टी हो रही है, तो ये पार्टी होली की वजह से हो रही है। तो आज हमारी होली की वजह से पार्टी हो रही है, तो आज मैं बताती हूँ हम कितने लोग आ रखे हैं, पहले इन सब की शक्ल बताती हूँ और फिर बताती हूँ आज हम क्या क्या बना रहे हैं। तो हम आ रखे एक आधा लोग है चिराम 3 और 3 6 7 है, तो हम 7 लोग आ रखे हैं, अक्सु सलोनी पूजा बंधु राधा और मंजली। तो क्या ने काम करना को नहीं आने दिल खाना खुना आने का क्या ढंग से बोल। तो हम इतने लोग आ रखे हैं यहाँ पे और मैंने सबको काम पे लगा दिया और सबसे पहले मैं ही आई थी और सबसे पहले काम मैंने ही शुरू किया था, है ना बंद दुया आग मेर जलाया ठीक है।
तो कह ले अभी खरो ना। तो अक्षु को यहाँ पे मैदा गूथने का काम मिला है और सलोनी को यहाँ पे नारियल कद्दूकस करने का, और पूजा को तो आज बुखार भी आ रहा है और फिर भी उसे प्याज छिलने का काम दिया, और राधा के खड़े के का नीचे राधा तो लाई भी जा रही है बस है। और रुक तो जरा बोल, तो देख ले राधा की मम्मी आ गई राधा के लिए हल्ला करने, और बंधु को तो यहाँ पे खरोला खरोल का काम दिया है। बंधु स्वीट जरा भी बल पूजा बुखार ना सर अक्षुपुन पता ना ठीक छे अक्षुपुन चिपक जा बंदे तो जल गई पुनी आसरे बुखार। तो बंधु को यहाँ पे सूजी भुनने का काम दिया है, तो जरा भी स्वीट जला तो बंधु हम सीधा कंडले पूजा ठीक छे बंधु। तो अबू और मंजली तो यहाँ पे डीजे वाले बने हैं दोनों, लेकिन कोई बात नहीं सूजी भुनने दो तुम्हें। वो क्या बोलती और कोनी क्या बन मैदा क्या बोलती मैदा बेलना काम दिया तुम था तुम अभी डीजे वाला बन जाओ। और बाकी बंधु तो खरोला खरोल पे लगी है, स्वीच जरा भी फुकेल तो आज बंधु कंडली बुझेगा ठीक जी। स्वीच से जरा भी नुकसान हो और अक्सु से तो आज मैदा ही नहीं बोले अक्सु जोर लगेगा। हाँ ये रोटी खा के भी आई है तो इसे ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा मैदे पे। और सालू जरा मुंड उठ भी उठा दे चूची और लाइव जाई फार चल आप पहले फटाफट काम कर और तब बैक वीडियो बाद। तो आज हम सब पिंकी के घर में कर रहे हैं पार्टी, पिंकी राधा। पिंकी तो अब ससुराल में है लेकिन राधा के घर में हो रही है आज पार्टी। आज बंधु के घर में नहीं, आज राधा के घर में हो रही है हम सबकी होली की पार्टी। बाकी होली तो परसों है लेकिन हमने एक दिन पहले कर दी है पार्टी। तो जब मैं गाय के साथ से आई उसके बाद मैंने आज कोई व्लॉग नहीं बनाया, अभी बना रही हूँ मैं उसके बाद सीधा व्लॉग। मैंने कहा आज हमारी पार्टी हो रही तो वही दिखाएंगे आप लोगों को। और जो लोग ऐसा करते थे मतलब हमारी गांव की लड़कियां तो करती ही थी ऐसा मतलब ऐसी पार्टी हर त्योहार में, तो उनको तो जरूर याद आएगा हमें देख के। और जो हमारे साथ की दोस्त है जिनकी शादी हो गई है जो घर में नहीं है उन्हें तो पक्का याद आ रहा होगा। अब मैं नाम किसी का नहीं ले रही क्योंकि किसी का नाम छूट जाता है फिर बाद में मुझे बोलते हैं कि तूने मेरा नाम नहीं लिया। तो उन सब की याद आ रही है मुझे जो हमारे साथ ऐसे पार्टी करते थे और जो अभी ससुराल में और जो अभी कहीं गए। तो हमारा आज बन रहा है मैक्रोनी, सेवैया और गुजिया। तो ये तीन चीजें बन रही है हमारी और हमने मैक्रोनी और सेवैया बना लिए। पहले हम अपनी पेट पूजा करेंगे बाकी गुजिया तो बनती रहेगी। तो टाइम भी 10 बज गए हैं और पहले हम खा लेते हैं और बाकी गुजिया बाद में बनती रहेगी। और सेवैया और मैक्रोनी तो बना ली हमने। सब नीचे बैठ के अपनी बातें कर रहे हैं जितने भी है और मैं ब्लॉग एडिटिंग कर रही हूँ। और इनका एक गेम चल रहा है, पता नहीं कौन सा गेम चल रहा है। अगर ये वीडियो पर आने देंगे तो मैं वीडियो बनाऊंगी, नहीं तो ऐसे ही। और ऐड तो कर दिया तूने, अब क्या वीडियो बनाएगी। आई मीन एडिटिंग करना, तो मेरी एडिटिंग चल रही है और इनका गेम चल रहा है। चलो इनको गेम खेलने देते। Yeah.
तो रात के 2 बज गए और अब हो रही है हमारी पार्टी खत्म। अब सब थक हार के अपने बिस्तरों में चले गए और टाइम यहाँ पे 2:04 हो गया है, तो 2:04 टाइम भी हो गया और अब सोने की तैयारी हो रही है। नींद तो नहीं आ रही वैसे, लेकिन फिर सुबह नींद नहीं खुलेगी तो अब सोना ही पड़ेगा। चलो अब व्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आशा करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। कल मिलते हैं दूसरे व्लॉग में। धन्यवाद।